नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ आपका इस चेयर में। और इस वीडियो में बात करेंगे आपके सीपीयू का टीयर टू का रिजल्ट आया है, इसके एनालिसिस के ऊपर काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और एक डाउट जो कई स्टूडेंट्स को हो रहा था कि ओबीसी कट ऑफ जो है वो इतनी कम कैसे चली गई है, यूआर से लगभग 100 से ऊपर का नंबर का डिफरेंस है, तो उस पर पूरा हम बात करेंगे। ऐसा कम क्यों गया है और क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा अगर जिनको जो इस बीच में है, और किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत से भी एग्ज़ाम्स में, जैसे अभी जीएसटी जो है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का रिजल्ट आया था, उसमें ईडब्ल्यूएस की कटऑफ जो है वो एससी के लगभग मेरे ख्याल से कम गई थी कि उसके आसपास ही गई थी, तो भी मतलब ये क्वेश्चन उठ रहा था। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है आप वो थोड़ा समझ जाइएगा, तो जब भी ऐसा कभी रिजल्ट आएगा तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इतना कैसे चले जा रहा है, ठीक है? तो मेन ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए जा रहे हैं और कितने कैंडिडेट्स हैं आपके पास। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम बता देते हैं, उसके बाद वैकेंसीज के ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जितने जितने मतलब ओपन कैटेगरीज में जो आपकी इधर मेल की है और फीमेल की है, सही है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि 4,750 स्टूडेंट्स जो हैं फिजिकल और आपका टीयर वन क्वालिफाई होने के बाद पहुंचे थे, मतलब ये पेपर टू के लिए क्वालिफाई हुए थे। और बाकी कुछ लोगों का केस चल रहा था जो जो जिसमें से 33 जो एडिशनल कैंडिडेट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया कि आप टीयर टू दीजिए, ठीक है? उसके बाद 4,541 स्टूडेंट्स जो हैं उसमें अपियर हुए थे। टोटल 4,783 स्टूडेंट्स को कहा गया था टीयर टू देने के लिए, जिसमें से 4,541 स्टूडेंट्स जो हैं अपियर हुए। और एक इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया था कि आपको इतने मार्क्स लेके आने तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे पेपर टू में। तो जब ये हो गया उसके बाद जो टोटल, अच्छा इनको बुलाना भी था वैकेंसीज के 3 गुना बच्चों को, अगर जितनी वैकेंसीज है उसके 3 गुना स्टूडेंट्स को ये बुलाएंगे, ठीक है? तो जब ये पूरा हो गया इसके बाद जो टोटल कैंडिडेट्स जो बुलाए गए हैं तो वो बुलाए गए हैं लगभग आपके 3,467 जो मेल कैंडिडेट्स हैं और 317 कैंडिडेट्स जो आपकी फ़ीमेल्स हैं, इनको बुलाया गया है आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और इसी चीज़ के लिए कट ऑफ गिराई गई है। तो फीमेल के आप कट ऑफ दे सकते हैं, यूआर की 286 गई है, ओबीसी की 258, एसटी की 207 और एससी की आपकी 223, ठीक है? ये ओपन वैकेंसीज है, मतलब जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है डायरेक्ट एग्ज़ाम लेके, और कुछ अभी आपके एक्स सर्विसमैन की है, कुछ आपकी डिपार्टमेंटल भी है। तो फीमेल में तो नहीं है लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए है वो। तो मेल के लिए आप देख सकते हैं ओपन वैकेंसीज जो थी आपकी यूआर की 300 आपकी कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 196 गई है, ठीक है? एससी की 190 गई है, एसटी की 169 गई है। तो अभी जब मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा तो उसमें जो ये नीचे आपका जो बात लिखी गई है आप इसको जरूर पढ़िएगा कि इसमें 68 जो हैं एससी कैंडिडेट्स, 29 एसटी कैंडिडेट्स और 844 ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं जो यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किए गए हैं। मतलब इसका मतलब है इनके मार्क्स जो हैं वो 300 से ऊपर हैं, चाहे वो 68 एससी कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स हैं या 29 एसटी के या 844 ओबीसी के। तो अभी हम वैकेंसीज भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि जो ओबीसी कैटेगरी में या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी में अभी स्टूडेंट्स जो हैं क्या उनको फाइनल जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है? टोटल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा तो वो आपको क्लियर भी होगा। तो अभी बस मैं ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है? उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो आपके थे, जो बैकलॉग वैकेंसीज आई थी उसके लिए आपकी कट ऑफ जो है इस तरीके से गई है कि यूआर की 278, ओबीसी की 246, एससी की 166 और एसटी की 180, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं जो एक्स सर्विस मैन के लिए गई है कट ऑफ वो इतनी गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स मतलब कैंडिडेट जो टोटल है 35 हैं और बाकी इन लोगों का केस चल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर पहुंचते हैं। तो एनालिसिस के में सबसे पहले तो देखो जो ऊपर चीज़ें हैं वो सब तो जैसे ही है, जैसे जितने जितने कैंडिडेट्स हमने बुलाए हैं किस तरह से है वो तो पहला स्टेप वही है। उसके बाद हम वैकेंसीज़ के ऊपर आएंगे। तो वैकेंसीज़ इसलिए पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, वहाँ पर मैं वैकेंसीज को जो टोटल है वो उसको लेके मैं काउंट मतलब बताऊँगा, तो आप देखिएगा। तो देखिए सीआरपीएफ के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हैं वैकेंसीज टोटल 274 है, बीएसएफ के लिए 483 है, ठीक है? उसके बाद आईटीबीपी में देख सकते हैं, एसएसबी में देख सकते हैं, ठीक है? सीआईएसएफ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को, जो बहुत मतलब चाहते हैं कि ये पोस्ट मिल जाए, मतलब जितने भी एसआई के हैं मतलब पोस्ट, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है लगभग सीआईएसएफ की ही जाएगी, तो वैकेंसीज ही नहीं है इसमें, ठीक है? और अब मुझे लगता है कि वैकेंसीज अगर जो आती भी तो अब वो अगले साल ऐड हो जाएंगी, मतलब 2019 वाले में। इसमें तो जितनी वैकेंसीज हैं अब इतनी है क्योंकि कैलकुलेशन इन्हीं पे होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग बुलाए जा रहे हैं कैंडिडेट्स, तो अब कहीं वैकेंसीज बढ़ने वाले नहीं है। तो ये फाइनल वैकेंसीज थी।
उसके बाद टोटल आप देख सकते हैं 516 कैंडिडेट्स जो हैं आपके इसमें यूअर कैटेगरी में है, जिसमें 501 मेल हैं और 15 फीमेल हैं। और इधर आप फीमेल कैंडिडेट्स में भी अधिकतर वैकेंसीज देख सकते हैं आप बीएसएफ में हैं, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो इधर जाना चाहेंगे तो मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स हैं मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि प्रेफरेंस लोग नहीं देते हैं अधिकतर लोग की सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस मतलब मेन चाह रहती है, क्योंकि अधिकतर क्या है वही स्टूडेंट्स होते हैं जो इसमें जो मतलब अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो वो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी कंपटीशन करते हैं, तो कोशिश मतलब वो करते हैं कि अगर इधर से अगर उधर अच्छी पोस्ट ना मिले तो 4200 ग्रेड पे की इधर अच्छी मिल जाए। तो इसमें 1 साल की ट्रेनिंग है मतलब कहीं अलग अलग उसमें फोर्सेज में, तो इसलिए एक चांसेस ये भी हो सकता है कि इसको छोड़ देते हैं। तो अब इसको लेट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फ़ायदा ही होगा अगर जो जिनको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो हो सकता है कि अगर सीजीएल या कहीं और किसी में उनको क्लियर लग रहा होगा तो इसमें आएंगे ही नहीं वो, बहुत लोग अभी मेडिकल में भी फेल होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो टोटल आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स कितने हैं। उसके बाद आपके जो सीआईएसएफ में वैकेंसीज वो है ही नहीं, ना सब इंस्पेक्टर में है ना एएसआई में है। एक्स जो आपका सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, तो आप देख सकते हैं ओपन वैकेंसीज में 199 वैकेंसीज है। एक्स सर्विसमैन के लिए 25 वैकेंसीज है। डिपार्टमेंटल के लिए आपकी जिले 137 टोटल है, ठीक है, मतलब बैकलॉग की 112 है मिला के। और टोटल वैकेंसीज जो आप देख सकते हैं 361 वैकेंसीज टोटल है मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली पुलिस में, और फीमेल में आप देख सकते हैं 123 वैकेंसीज हैं, ठीक। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस से पहुँचते हैं, तो आप ये देख सकते हैं 4783 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। टीयर टू में पीयर होता है 4541, और क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं आपके मेडिकल के लिए वो फीमेल के लिए 317 हैं और मेल के लिए 3467। तो अब फीमेल के लिए हम बात करते हैं, पहले देखिए इनकी वैकेंसीज जो हैं कितनी हैं। अगर दिल्ली की पुलिस के लिए आप देख सकते हैं और सीएपीएफ के लिए देख सकते हैं, तो जो टीयर टू का रिजल्ट आया है वो इनका इस तरीके से रिजल्ट आया है कि 286.81 जो है यूआरई कट ऑफ गई है, जिसमें से केवल जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं तो वो है 95, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट्स जो है 112 हैं जो यूआर में क्वालिफाई हुए हैं, मतलब इन 112 स्टूडेंट्स के मार्क्स 286.81 से ज़्यादा है। उसके बाद एससी के 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आपके इसमें ज़्यादा हैं, और एसटी के 3 हैं जिनके यूआर से मतलब यूआर कैटेगरी में जो क्वालिफाई कर रहे हैं जिनके 286.81 से मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी में वैकेंसीज देखें टोटल, तो आप 62 और 15 यानी 77 वैकेंसीज टोटल हैं, और यूआर कैटेगरी में 286.81 से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो लगभग 220 कैंडिडेट्स के हैं। तो 220 कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं मतलब 286.81 से ज़्यादा, और 77 कैंडिडेट्स जो हैं मतलब फीमेल कैंडिडेट्स जिनको यूआर में मतलब जितनी वैकेंसीज हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कितनी कट ऑफ अभी हाई होगी। अब यहाँ पर समझिए कि जो ओबीसी के 112 कैंडिडेट्स हैं क्या वो यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन लेंगे या ओबीसी में, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखो अगर यही सीजीएल का कंडीशन होती तो सीजीएल में वो यूआर कंडीशन यूआर कैटेगरी में नहीं लेते। अब इसमें क्या है, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, मतलब वैकेंसी मतलब अलग डिपार्टमेंट वाइज नहीं है। अब 15 केवल सीएपीएफ में है, अगर सीएपीएफ में ज़्यादा होती तो ओबीसी एससी एसटी को नुकसान होता, यूआर को फ़ायदा होता, क्योंकि उसमें क्या होता कि वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन लेते तो फिर यूआर कैंडिडेट्स को थोड़ा सा और दिक्कत होती। अब यहाँ पे क्या है, सीएपीएफ में केवल 15 वैकेंसी था, उस 15 में भी 12 जो हैं आपकी बीएसएफ में है, तो अब ये डिपेंड करता है उस कैंडिडेट्स के ऊपर। तो देखो 62 जो है वो दिल्ली पुलिस में है, तो सबकी प्रेफरेंस पहली दिल्ली पुलिस होगी, तो जिनको जिनको दिल्ली पुलिस मतलब अधिकतर लोग की दिल्ली पुलिस ही होगी, तो यूआर कैटेगरी में और कोई मतलब प्रेफरेंस है ही नहीं, क्योंकि वरना तो फिर वो सीएपीएफ में जाए, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सीएपीएफ को इतना ज़्यादा चॉइस नहीं दे। तो सीएपीएफ में अगर बहुत वैकेंसीज होती है जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग होती, तो ये हो सकता है कि इनको ये डिपार्टमेंट लेने के लिए वो अपनी कैटेगरी का यूज़ कर लेते और वो आ जाते इसमें। तो इसमें ये बस ये होगा कि देखो ये 62 जो है पहले तो ये दिल्ली पुलिस अपने कैटेगरी में लेंगे, फिर जो 34 जो ओबीसी कैटेगरी में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है, ये 34 कैंडिडेट्स में अधिकतर 34 कैंडिडेट्स वही होंगे जो अभी इस वक्त यूआर कैटेगरी में, मतलब ये जो 34 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो अधिकतर वो 112 जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उसमें से जाएंगे। तो अभी जो ओबीसी में जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 36 हैं, मतलब जिनके मार्क्स 36 कैंडिडेट्स के मार्क्स 258 से 286 के बीच में हैं, ठीक है। लेकिन 112 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके 286 से ज़्यादा मार्क्स हैं, और टोटल वैकेंसीज अगर हम ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 49 है। तो अगर मैं वैसे बोलूँगा एक मतलब रियलिटी ही कहो कि जो अभी इस वक्त ओबीसी कैटेगरी में हैं उनके चांसेस बहुत कम हैं
कि उनको सिलेक्शन मिले, मतलब अनलेस बहुत ज़्यादा मेडिकल में फेल ना हो जाए, वरना तो चांसेस कम हैं। CAPF में एक बार मुझे लगता है चांसेस हो सकते हैं, दिल्ली पुलिस में बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ये जितने भी UR वाले हैं वही सब ले लेंगे, मतलब UR वाले मतलब जो OBC कैंडिडेट्स जो UR कैटेगरी में हैं, ठीक है, वो सिलेक्शन ले लेंगे। इसलिए जो OBC कैटेगरी में अभी 36 स्टूडेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी सिलेक्शन लेने में, क्योंकि उनके अभी आप समझिए आपसे लगभग 30 30 40 40 नंबर उनके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर वो मेडिकली अनफिट नहीं होंगे तो आपको तब उस मतलब उससे पहले चांसेस नहीं है, या तो वो छोड़ दें किसी और कहीं और मतलब सिलेक्शन ले लें, लेकिन एक बार मेडिकल जब दे देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात करते हैं SC की, तो SC में 18 वैकेंसीज आपकी दिल्ली पुलिस में है, और 6 वैकेंसीज आपकी आपकी आर्म फोर्स में है, मतलब जितनी भी आपकी CISF CAF CRPF BSF है, तो उसमें टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं लगभग 24 वैकेंसीज हैं, और SC के केवल 10 कैंडिडेट्स हैं जो UR में हैं, ठीक है। और ये जो 10 हैं ये SC में जो दिल्ली पुलिस के लिए ये फाइट कर सकते हैं, चांसेस भी हैं ये लोग UR कैटेगरी में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अपने कैटेगरी में ही ले, इनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। जैसे मान लीजिए पता थोड़ी ना कि SC वाले जो 10 कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स 290 है या उनके मार्क्स 320 हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो UR कैटेगरी में सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के SC और ST में थोड़े से कम परसेंटेज में UR में सिलेक्शन लेंगे फाइनल में, क्योंकि वहाँ पर SC ST कैटेगरी में ज़्यादा लेंगे, ठीक है। लेकिन OBC कैटेगरी में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो UR में कैटेगरी में सिलेक्शन लेंगे, तो UR की तो कट ऑफ अभी काफ़ी बढ़ेगी, ठीक है। UR की कट ऑफ तो यहाँ पे अभी रहने ही वाली नहीं है, मतलब जो अभी बाउंड्री पे हैं उनका तो चांसेस ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद ST में आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो जो 300 नंबर वाले हैं उनको भी थोड़ा सा भी डाउट होगा। ST में आप देख सकते हैं 9 6 15 वैकेंसीज हैं टोटल, और यहाँ पे अभी इनकी कैटेगरी में 45 है, तो SC और ST में जो अभी कैटेगरी में है उनको तो इतना कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है, उनको सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन OBC कैटेगरी में उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उनको सिलेक्शन मिलने कम चांसेस है जो अभी अपनी कैटेगरी में पास हो रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो मेल में देखिए दिल्ली पुलिस में 100 वैकेंसीज हैं आपकी, OBC में 66 है, SC में 21 है, ST में 12 है, और टोटल जो है 199। अब देखो जो मैं बता रहा था ऊपर, वहाँ पे यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में यहाँ पे कम है और जो CAPF है यहाँ पे वैकेंसी उसमें ज़्यादा है। लेकिन इसमें भी देखिए अलग अलग, देखो अधिकतर जो जिनके लिए CRPF जैसा है वैसी BSF है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लोगों के लिए है, तो उनको अगर CRPF मिल जाए BSF मिल जाए सब एक ही बराबर है, तो मतलब ये थिंकिंग है जिस हिसाब से। तो आप समझिए 601 वैकेंसीज टोटल हैं UR के लिए, 372 OBC के लिए, SC के लिए 174, ST के लिए 104, ठीक है। कट ऑफ देखिए मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप बस यहाँ पे ये सोचिए कि इस हिसाब से कट ऑफ जाएगी, अगर जब इतनी ज़्यादा कंपटीशन है और वैकेंसीज इतनी कम है, तो देखो जो UR की कट ऑफ गई है, पहले तो अच्छा से ये बता देते हैं कि OBC कट ऑफ कम क्यों गई है। तो OBC की कट ऑफ इसलिए कम गई है क्योंकि देखो 1/3 मतलब 3 गुना स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं, ठीक है, जितनी वैकेंसीज है उसके 3 गुना। तो अब 3 गुना स्टूडेंट्स बुलाने के लिए अब आप खुद देख सकते हैं बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं जो फेल हुए हैं, क्योंकि उन्हें 3 गुना स्टूडेंट्स चाहिए थे, तो जितने लोग थे उन्होंने सबको पास किया है। तो 196 का मतलब है जो ये लास्ट कैंडिडेट्स है इसके 196 मार्क्स हैं। अब ये हो सकता है, आप खुद आप समझिए कि OBC कैटेगरी में 844 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके 300 से ऊपर मार्क्स हैं, ठीक है, और 507 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 196 से लेके 300 के बीच में हैं। तो चांसेस ये भी हैं कि लास्ट के 100 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स सबसे कम कम हों, मतलब उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है उनके एक एक बंदे के बीच में डिफरेंस कम से कम 8 8 10 10 नंबर का हो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाने के चक्कर में ही इनके जो आपकी जो कट ऑफ गई है इनकी इतनी कम गई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, खाली इनको बस वही है जैसे जो एक सांत्वना पुरस्कार मिलता है उस तरीके से है, आप अपनी कैटेगरी में पास हो जाएं लेकिन सिलेक्शन कहीं दूर दूर से नहीं होगा जो अभी OBC कैटेगरी में हैं। और ये देखो ये रियलिटी है, अगर आप समझ जाएंगे तो सही है, क्योंकि मैं कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ किसी के लिए, क्योंकि यही रियलिटी है। आप देखिए ऐसा ही CGL में भी हो रहा है और ऐसी SSC के अधिकतर एग्जाम्स में होता है, क्योंकि SSC बुलाती ज़्यादा टाइम से बच्चों को, ठीक है। ये SSC का भी है उस हिसाब से कि अब देखा जाए, तो आप समझिए जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 1123, मतलब 1123 स्टूडेंट्स के मार्क्स 300 से ऊपर हैं, ठीक है। अब OBC कैंडिडेट्स जो 844 हैं इनके मार्क्स जो हैं 300 से ऊपर हैं, ठीक है, और OBC कैटेगरी में वैकेंसीज कितनी है 372।
तो आप खुद समझिए 844 तो ओबीसी कैंडिडेट्स अभी ही हैं जो यूआर से ज़्यादा है, मतलब जिनके मार्क्स 300 से ज़्यादा हैं। तो आप खुद समझिए जिनके मार्क्स 300 से ज़्यादा हैं और एक बंदा जो 196 से 300 के बीच में है तो वो कहाँ फाइट करेगा। तो जो 300 के थोड़े से पास में है, जैसे 290 या 295, 280, 275, उनके एक बार चांसेस बन भी सकते हैं, लेकिन जो इधर बहुत नीचे हैं बाउंड्री में, ठीक है, उनके चांसेस बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। और इनके मैं चांसेस बहुत मिनिमल कह रहा हूँ कि जो 300 से कम है, मतलब वो तब चांसेस बनेंगे कि जैसे इन लोगों ने कहीं और सिलेक्शन ले लिया, या बच्चे मेडिकल के लिए आए ही नहीं ज़्यादा, या मेडिकली अनफिट बहुत हो गए, ठीक है, तो चांसेस बन सकता है। वरना अगर सब लोग आए और बहुत कम फेल हुए, तो जाहिर सी बात है, देखो ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और CGL या CHSL मतलब लोग नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन बस भैया थोड़ा सा लोग CAPF के लिए एक बार सोचते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, GD की है नहीं कि एक बार बिना मतलब सोचे छोड़ दिया, तो इसलिए चांसेस कम होते हैं कि इसे छोड़े, अगर जब तक उनको ये बहुत अच्छी पोस्ट ना मिल रही हो तो। ठीक है, तो OBC के 844 स्टूडेंट्स हैं जो UR में हैं, और OBC की टोटल सीट है 372, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी जो स्टूडेंट्स अभी OBC कैटेगरी में है, मतलब जो OBC कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हैं। SC की बात कर रहे हैं, 68 कैंडिडेट्स हैं जिनके 300 से ऊपर मार्क्स हैं। SC में टोटल 174 वैकेंसीज हैं, यानी 228 स्टूडेंट्स हैं जो अभी SC कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं, तो इनको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास अच्छी खासी वैकेंसीज हैं अभी। और ST में 104 वैकेंसीज हैं टोटल, और ST कैटेगरी में जो है वो केवल 29 स्टूडेंट्स हैं जो UR कैटेगरी में क्वालिफाई किए हुए हैं। तो यूआर में देखिए 601 वैकेंसीज हैं, और यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई जो है टोटल 2064 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 2064 बच्चों के मार्क्स 300 से ऊपर हैं। तो अभी ये जो यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं, इसमें बहुत से स्टूडेंट जो ओबीसी वाले यूआर में सिलेक्शन लेंगे, या एससी वाले भी और एसटी वाले भी, तो काफ़ी अभी फाइट है, यूआर की कट ऑफ भी बहुत और बढ़ने वाली है। अब वही है कि दिल्ली पुलिस की तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी, क्योंकि आप समझिए दिल्ली में अभी जो ये 100 UR की वैकेंसीज हैं, इसमें तो बहुत से OBC कैंडिडेट्स भी इसमें आएंगे, SC कैंडिडेट्स भी आएंगे, और अपनी अपनी कैटेगरी में जो OBC SC ST में जो 66, 21 और 12 वैकेंसीज दिख रही हैं, ये दिल्ली पुलिस वाली, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये इधर वाले होंगे जो अभी UR में चल रहे हैं। ठीक है, यानी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस से जो कट ऑफ जाएगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो किसी भी कैटेगरी में 300 से कम नहीं जाने वाली है, अधिकतर कैटेगरी में 300 से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये समझिए ST में भी 12 हैं। अब बस वही है ना कि ऐसा ना हो जाए, जैसे ST में अब देखो 12 है, अभी 29 हैं, और 29 में हो सकता है कि मान लो 15 कैंडिडेट्स यूआर में सेलेक्ट हो जाए, मतलब अगर अगर ऐसा हो जाए तो ST में इनकी वैकेंसीज जो हैं वो बच जाएंगी, फिर क्या है अपनी कैटेगरी से होंगे, अगर ऐसा हुआ तो होगा, मतलब कहने का मतलब कि लगभग लगभग देखो UR और OBC की तो बहुत हाई जाने वाली है, 300 तक काफ़ी आ जाएगी, SC ST की भी SC की 300 से ऊपर जाएगी ही, और ST की मैं कह सकता हूँ लगभग 300 के आसपास रहेगी, मतलब अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें दिल्ली पुलिस की, और बाकी तो जैसे जैसे वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस, और अगर कुछ अगर डाउट हो आपको अभी भी मार्क्स से रिलेटेड, तो आप वो बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं ये कहूँगा जिनके अगर जो अभी कैटेगरी में है तो वो अभी अलग एग्ज़ाम्स पे फोकस करें कुछ जो अभी आ रहे हैं नेक्स्ट, और जो इसमें है वो अपने मेडिकल की प्रिपरेशन करें सही से, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।